गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कीवर्ड्स फ्रॉम चैप्टर 1. दिस इज द रिवीजन फॉर योर यूनिट टेस्ट. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. यानी कि प्लांट्स में खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ लीफ. स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर सर्फेस ऑफ, यानी कि जो लीफ के नीचे छोटे छोटे से छेद होते हैं ऑफ लीफ, विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो उसकी गैसेज के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं. मिडरिब, मिडरिब क्या होता है? मिडरिब द सेंट्रल थिक पार्ट ऑफ द लीफ. जो लीफ का सेंटर का थिक मोटा पार्ट होता है उसको लीफ बोलते हैं. जस्ट लाइक इट, जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है, ये सेंट्रल लाइन है, इसको हम बोलेंगे मिडरिब. इट इज कॉल्ड मिडरिब. एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो वीटिक ऑन द करेक्ट आंसर. नंबर 1, ग्रीन प्लांट्स नीड दिस फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज की नीड होती है? ऑक्सीजन, नो. नाइट्रोजन, नो. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की, नो. इसमें केवल किस चीज की आवश्यकता होती है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वीटिक ऑन द फोटोसिंथेसिस. नंबर 2, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, डिक्रीज द टेम्परेचर ऑन द अर्थ, कॉजेज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ, समटाइम इंक्रीजिंग समटाइम डिक्रीजेज द टेम्परेचर. तो इसमें से करेक्ट क्या है? देखिए, लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ. जब अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या होता है? उससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है उससे. तो वी टेक ऑन दिस. ओके, नेक्स्ट इज कनेक्ट केयरफुली द प्लांट्स इन कॉलम ए विद द स्टोरेज ऑर्गन इन कॉलम बी. द मैच द फॉलोइंग दीज आर. तो बीट रूट क्या होता है? रूट. तो वी मैच द बीट रूट विद रूट. शुगर केन क्या होता है? एक शुगर केन इज ऑलरेडी अ स्टेम. पी प्लांट क्या है? सीड, क्योंकि इसके अंदर सीड्स होते हैं, जो पी के अंदर होते हैं वो, उसको सीड होता है वो. वाटरमेलन वी मैच वाटरमेलन विद फ्रूट, क्योंकि ये एक फ्रूट है. ओके, कैबेज इज द वेजिटेबल ऑफ लीव्स, तो लीव्स. कॉलीफ्लावर इज अ फ्लावर. ओके, बीटरूट रूट, शुगर केन स्टेम, पी प्लांट सीड, वाटरमेलन फ्रूट, कैबेज लीव्स, कॉलीफ्लावर फ्लावर्स. देखिए, ये सब एक प्लांट के पार्ट्स हैं, इनको हम ऐसे मानते हैं. बीट रूट को रूट मानते हैं, शुगर केन को स्टेम मानते हैं, पी प्लांट को सीड्स मानते हैं क्योंकि इसके अंदर सीड्स होते हैं, वाटरमेलन को एक तरह का फ्रूट मानते हैं, कैबेजेस लीव्स, कैबेज के अंदर क्योंकि लीव्स होती हैं इसलिए उसको लीव्स माना जाता है. कॉलीफ्लावर वो एक तरह का फ्लावर होता है, कॉलीफ्लावर एक फ्लावर के उस फॉर्म में आता है, उसको फ्लावर के फॉर्म में मानते हैं. ओके, चिल्ड्रन यू लर्न ऑल एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर 1 फॉर यूनिट टेस्ट. ओके चिल्ड्रन, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.